उत्तर प्रदेश के मथुरा में थाना राया क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना दूल्हे पक्ष को भारी पड़ गया। कम बारात लेकर आए दूल्हे को दुल्हन के चाचा ने वापस कर दिया और दुल्हन की शादी किसी दूसरे युवक से करा दी। बारात लेकर वापस हुए दूल्हे को गांव में ही डेरा डालकर दूसरे दिन दूसरी लड़की के साथ शादी की रस्म को पूरा किया गया। मांडा थाना राया क्षेत्र के गांव तेहरा का है। गांव तेहरा महावन निवासी मदन पाल ने अपनी बेटी का रिश्ता थाना मांच के नगला मनी निवासी सूरज पाल के पुत्र ओम हरि के साथ तय किया था। तय कार्यक्रम के अनुसार वरपक्ष बुधवार की रात 25-30 लोग बारात में लेकर तेहरा महावन पहुंचे। बाराती नाचते गाते हुए लड़की वालों के दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एक क्षण में खुशी का माहौल मायूसी में तब्दील हो गया। रानी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमार पाल, वर्तमान सुगरवाल। तो आपके यहाँ ये किस तरह का आयोजन है आज? हमारे यहाँ आयोजन है तेहरा महावन में मनी के बाद से जी, और किसी कारणवश लड़की पक्ष ने शादी करने की इनकार कर दी। उसके बाद कुछ तेहरा वासी, कुछ हम सुगरवार वासी उनकी शर्म में शामिल होते हुए और हमने अपने गांव की लड़की सुगरवार मुकेश की पुत्री के साथ मनी के पास की लड़का पक्ष क्या नाम है सूरज पाल की लड़के रिश्ता तय कर दिया। इस तरह का आयोजन ग्राम सुगरवार में तो शादी सफल संपन्न हो गई। हाँ, शादी संपन्न हो गई। तो वहाँ कारण क्या रहा था कि जिस कारण वो रिश्ता टूटा, कुछ ऐसा सुनने में आया हो? कारण ये था कि लड़की पक्ष ने बोला कि बारात कम आई है जी, इस कारण से उसने शादी करने के लिए इनकार किया जी। दुल्हन के पिता मदन पाल के भाई केहरिक ने बारात कम आने की बात कहकर शादी करने से मना करा दिया। इतना ही नहीं, लड़की की शादी दूसरे लड़के से भी करवा दी। यह बात जब ग्रामीणों को पता चली तो दूल्हे के वापस जाने को उन्होंने अपनी तौहीन मानकर उसे शादी कराने का आश्वासन दिया और सुगरवार निवासी मुकेश की पुत्री से विवाह की रस्में पूरी करा दी गयी। इसके बाद हंसी खुशी के माहौल में बेटी को विदा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24। कान्हा की नगरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। जुड़िए समाचार सिटी 24 के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट।